दोस्तों क्या आप भी हैं परेशान इतने सारे वायर्स से? तो दोस्तों टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पर अभी भी हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है इन लंबे लंबे वायर्स पे। फिर चाहे हमें चार्ज करना हो अपने मोबाइल फोन्स या फिर अपने वायरलेस हेडफोन्स, इन सभी को चार्ज करने के लिए हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है वायर्स पे। तो दोस्तों कैसा होगा आज इस वीडियो में मैं आपसे कहूँ कि अब आपको किसी भी वायर्स की जरूरत नहीं है, फेंक दीजिए अपने इस लंबे लंबे छोटे छोटे वायर्स को। तो आने वाले कुछ सालों में आपको किसी भी वायर की जरूरत नहीं होगी अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल या फिर अपने टैबलेट को चार्ज करने के लिए। यहाँ पर आपको बस जरूरत होगी एक ऐसे कमरे की जहाँ पर आपको बस एंटर करना और आपकी वायरलेस चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्यूरेबल के फ्रेश एपिसोड में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बताऊंगा आपको कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करेगी और कैसे वो कमरा काम करेगा जहां पर हमें बस एंटर होना है और वहां हमारा लैपटॉप मोबाइल सब चार्ज होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो, लेट्स गो ड्यूरेबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे वायरलेस चार्जिंग की बात कर रहा हूँ जबकि हम वायरलेस चार्जिंग अभी भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर सैमसंग के जो कई सारे फ़ोन है वहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ तक कि अब तो बात चल रही है कि आईफोन 8 जो अपकमिंग फ़ोन है उसमें भी अब वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो एप्पल भी जो है अपने आईफोन 8 के साथ वायरलेस चार्जिंग की फील्ड के अंदर आने वाला है। पर क्या आपको लगता है कि ये जो सारे फ़ोन्स है ये ट्रूली वायरलेस चार्जिंग पे काम करते हैं? मतलब सोच के देखिए, आप पर भी आपको एक चार्जिंग पॉड पे तो रखना ही पड़ता है ना अपने फ़ोन को। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि उस चार्जिंग पॉड पे रखे बगैर ही आपका फ़ोन चार्ज होने लग जाए। तो ऐसा कुछ हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ हम इमेजिन करते हैं कि हाँ यार ऐसा कुछ हो कि बस यार मैं एक कमरे में एंटर हूँ, वहाँ पर एंटर होते ही मेरा फ़ोन चार्ज होने लग जाए। तो ऐसा ही कुछ डेवलप करा है डिज्नी। जी हाँ, ये वही डिज्नी है जिसने काफ़ी सारी फेमस कार्टून सीरीज निकाली है, जहाँ पर आपने देखी होगी बोलते हुए कार को देखा होगा आपने। तो ये डिज्नी वही है जो कि इन सभी कार्टून सीरीज़ को निकाल चुकी है। और अब जो है डिज्नी ने डेवलप कर लिया है एक ऐसे कमरे को जहाँ पर आपको बस एंटर होना है और वहाँ पर आपकी वायरलेस चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि उस रूम का डिज़ाइन कैसा होगा। तो ये भी बड़ी सोचने वाली बात है कि भाई वो रूम आखिर दिखता कैसा होगा जहाँ पर हम एंटर करें और हमारा डिवाइस सभी जो है वायरलेसली चार्ज होना स्टार्ट हो जाए। तो इस रूम की डिज़ाइन की बात करूँ मैं आपसे, तो यहाँ पर आपको रूम के बीचों बीच एक बड़ा सा एक लंबा सा पोल दिखाई देगा जो कि बना होगा कॉपर का। और यहाँ पर जो आपकी सीलिंग्स होगी और जो आपके फ्लोर होंगे सब कवर होंगे एल्यूमिनियम पाइप या फिर एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स है। तो आज से 5-6 महीने पहले 16 फरवरी 2017 को डिज्नी ने एक फ़ोटो अपलोड करा था एक रूम का, जहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि हम कैसे वायरलेसली हम चार्ज कर रहे हैं अपने डिवाइसेस को। तो जो इनका जो टेस्ट हुआ था उनमें इन्होंने पाया कि 1.9 किलोवाट तक की इन्होंने बिजली को प्रोड्यूस कर लिया। और यहाँ पर जो करीबन 320 जो आपके यूएसबी डिवाइस होते हैं उनको चार्ज करने के लिए ये कैपेबल था। और ये जो रूम है वो काफ़ी सेफ है, यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं आपको बिजली के झटके ना लग जाए। तो ये रूम जो है उन्होंने पाया गया है कि काफ़ी सेफ था और यहाँ पर आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बात करते हैं कि वायरलेस चार्जिंग वर्क कैसे करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करता हूँ वायरलेस चार्जिंग की वर्किंग के बारे में, तो यहाँ पर जो आपका जो डिवाइस है जो कि सप्लाई करेगा पावर को आपके मोबाइल फ़ोन्स आपके टैबलेट्स वगैरह में, तो उस डिवाइस को हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं एसी करंट की। और यहाँ पर वो जो डिवाइस होता है उसके अंदर होती है कुछ कॉइल्स, वहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ कॉइल्स यहाँ पर बनाए जाते हैं ताकि वो प्रोड्यूस करे एक मैग्नेटिक फील्ड को। और जब जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी आपका डिवाइस आता है तो वो डिवाइस जो होता है वो कन्वर्ट कर लेता है एसी करंट को डीसी करंट में और उस डीसी करंट को यूज़ करता है अपने आप को चार्ज करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ एक सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा ही कुछ लॉजिक मैंने आपको बताया था पहले ट्रैफिक लाइट्स की वर्किंग के बारे में जो कि मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, उसका अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका कार्ड मैंने ऊपर दिया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जो आपका जो रूम है वो रूम के अंदर जो जितने भी मेटेलिक स्ट्रिप्स जो लग रखी है या फिर मेटेलिक पाइप्स जो लग रखे हैं उन सब के जरिए वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा पूरे रूम के अंदर। और जैसे कोई डिवाइस उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो वहाँ पर एक करंट इंड्यूस होगा और उसी से वो अपने आप को चार्ज कर पाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और दबाइए उस रेड बटन को और पाइए सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।